इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू की तरफ से न्यू बैचेस लॉन्च हो चुकी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएसपीसी जेई, इसके अलावा डीएफसीसीएल हो गई, हिमाचल प्रदेश में अभी एई की वैकेंसी आई है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एई जेई की वैकेंसी चल रही है, तो बैचेस आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अशोका बैच 2024 बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की क्लासेस मिल जाए आपको 2999 रुपये में। एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच आ चुका है 2499 रुपये में। इसके अलावा महाराज जन को ए की बैच 999 रुपये में और छत्तीसगढ़ जेई ए की बैच लॉन्च हो चुकी है। इन सभी बैचेस में आपको लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बताया जाएगा जो कि पैटर्न चेंज हो रहा है। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी दिया जाएगा और डीपीपी के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा वीकली टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट के अलावा सब्जेक्ट वाइज और मंथली जो मॉक टेस्ट आपके होते रहते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी द्वारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेगा। स्टार ड्राउट क्लासेस भी आपको मिलेंगी जो स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है अगर, और इसके अलावा क्लॉट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन पे ही, और डायरेक्ट इंजन भी आपको स्टूडेंट की क्वेरी जो होती है, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं EG250, आपको सभी बैचेस में 250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑफर के साथ साथ। तो अभी जाइए तुरंत पीडब्ल्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं एक स्टूडेंट अभी महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल किया था और उसके रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, क्योंकि उसको जीएस में प्रॉब्लम थी। उसने मेंस का एग्जाम दिया, उसके नंबर्स कम आ रहे हैं क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस लगाए थे और उसने मेरी वीडियो देखी थी बट उसने बात नहीं मानी। उसने ये भी कहा, सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि पेपर डिप्लोमा वाले बच्चे भी देंगे उनको देखते हुए ही पेपर बनाया जाएगा, बहुत हार्ड पेपर नहीं बनेगा, कैलकुलेटर का उतना ज़्यादा यूज नहीं होगा जितना ज़्यादा हाई मार्केट में हाई बन रही है। जैसा कि सभी कोचिंग वाले कह रहे थे कैलकुलेटर का क्वेश्चन हार्ड आएगा, मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आप लोगों को लाइव सेशन में बता दिया था कि क्वेश्चन उतने ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे भी पेपर देंगे, जैसा कि RRBJ 2019 में हो चुका है, मेंस में ऐसा ही हुआ था RRBJ में, उसमें भी बहुत बच्चों के साथ हाइप बनाई गई थी कि RRBJ में कैलकुलेटर दिया गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा, बहुत सब बच्चे गेट वाले क्वेश्चन लगा के आ रहे थे, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन लगा के आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस अब उसको प्रॉब्लम थी, सर GS में मुझे रेडी करना है, GS के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैंने कहा यार कॉल रखो, मैं तुमको वीडियो बनाकर सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ स्पेशल उसके लिए। साथ ही साथ जो बच्चे GS को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, सर किस बुक को पार्टिकुलर फॉलो करें, सोल्यूशन उठा लें, ये बुक उठा ले, वो बुक उठा ले, इसे कवर हो जाएगा, ऐसे ही बात रीजनिंग को लेकर होती है। तो बात हम GS को करने वाले हैं। देखो अगर आपके GS में नंबर कम आ रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं जो कि 3 नंबर जो पाया है GS में उसको भी CPWD सिविल इंजीनियरिंग में मिला है। मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी मेरी ठाई जाती है, बट सिविल इंजीनियरिंग में क्योंकि फर्स्ट पेपर में ही होता है आपके GS, तो आप आसानी से उसे पढ़ के निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 50 में 50 GS करके आए, 50 में 10 GS करके भी आते हैं, अगर 8 सही हो जाते हैं आपके तब भी आप 6.5-7 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि GS बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है। मेरे पास इंटरव्यू 2022 वाले सिलेक्शन जो लड़के लिए थे, 2022 में जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें जो लड़के हैं उसमें 3 नंबर पाने वाले भी लड़के हैं। अभी 2023 का जो है वो तो मेंस हुआ है, इसके पहले जो 2020 का हुआ था उसमें भी 6 नंबर 8 नंबर पाने वाले लड़कों को CWC और CPWD मिला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है GS को आपको, अगर केवल इंजीनियरिंग केवल आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप SSC JEE के अलावा भी अदर एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे NPCIL, इसके अलावा आपके हो गए RRBJE के स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं, स्टेट जेई जैसे UP SSSC हो गया, UKPSC हो गया, इन सब स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए GS एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है। तो GS तैयार कैसे करना है, सबसे पहले आपको GS में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें या पढ़ना है। एक सेगमेंट होता है GS पढ़ने का, ऐसे ही लूसेंट उठाकर GS लूसेंट किताबें या ऐसे इस प्रकार की GS की किताबें जो बनाई गई हैं वो केवल आपके रिवीजन पर्पज के लिए बनाई गई है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए किताबें नहीं बनाई गई, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपको मेन किताब पढ़कर ही होगा, जैसे हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री की किताब पढ़नी पड़ेगी। आप रिवीजन लूसेंट से कर सकते हैं, अगर आपने पहले कभी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, पहले कभी जियोग्राफी पढ़ी है,
तब आप लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था इंटर का सिलेबस अच्छा खासा रहता तो वहीं पर लड़के हाई स्कूल तक पढ़कर हिस्ट्री आते थे। अब क्या है, अब सिलेबस बहुत छोटा हो गया, हिस्ट्री बहुत कम पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा सिलेबस हो गया, तो उतना आपको जो जनरल साइंस पढ़ाई जाती है, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें उतना ज्यादा पार्ट नहीं आता हाई स्कूल में। पहले आता था, पहले गणित की 6 किताबें लगती थी, अब गणित की 2 किताबें लगती है, पहले केमिस्ट्री वगैरह की मोटी मोटी किताबें लगती है, तो हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स वहीं पढ़ कर आते थे। अब आप लोगों को सिलेबस छोटा कर गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटे हो गए, तो अब ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट होते हैं। तो जीएस पढ़ना कैसे है ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिल पाएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो कि, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में कई सारी डिपार्टमेंट वैकेंसी आने वाली है, उसने बताया सर ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें इतना जीएस पूछा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो कि एसएससी जेई के अलावा स्टेट जेई की तैयारी करते हैं। केवल एसएससी जेई है तो जीएस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10, 8, 5, 7 नंबर पा जाएंगे तब भी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, ऐसा हुआ है। मेरी ही वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, बच्चे ने खुद बताया है कि सर मेरा 3 नंबर था, 6 नंबर था, 8 नंबर था, 10 नंबर था, 12 नंबर था। अब हम बात करते हैं कि जीएस रेडी कैसे करना चाहिए। पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जीएस में सबसे पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहिए वो आपको जियोग्राफी पढ़नी चाहिए। पहले आपको इंडिया की जियोग्राफी पढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको वर्ल्ड की जियोग्राफी पढ़नी चाहिए। इंडिया की ज्योग्राफी आप जब पढ़ लेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सी नदी कहाँ बह रही है, कौन सा स्टेट है, क्या उसकी राजधानी है, कहाँ पर वो स्थित है, यानी नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, मिडिल इंडिया में, साउथ में है, वेस्ट में रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री पढ़नी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हल्दीघाटी का मैदान कहाँ है, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, इसके बाद जो अंग्रेज आए हैं वो कहाँ से आए हैं, जो अरब आक्रमण हुआ है वो कहाँ से आए हैं, वास्को डी गामा भारत आया तो वास्को डी गामा कहाँ उतरा, कालीकट कहाँ पर है, ये चीजें कहाँ पढ़ोगे आप। पहले जियोग्राफी पढ़ लोगे तब तो आपको पता चलेगा कि कालीकट कहाँ था, अच्छा ये यहाँ वो आपको दिखने लगेगा, विजुअलिटी एक प्रकार, जब आप जियोग्राफी पढ़ लेते हो तो विजुअलिटी दिखने लगती है। ये मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ भी सेमिनार वगैरह करता हूँ वहाँ मैं बताता हूँ कि जीएस कैसे पढ़नी चाहिए। तो जीएस ऐसे पढ़ो जियोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री के बाद आप पढ़ो पॉलिटी। जब आप पॉलिटी के कोई संविधान बनता है, कोई विधेयक पास होता है, तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, ये चीजें आप हिस्ट्री, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं, क्यों विधेयक पास हो, क्यों वो विधेयक बना, 3 तलाक क्यों बना, SC ST आयोग क्यों बना, परिसीमन आयोग क्यों बना, वो हिस्ट्री में आपको चीजें पता चलेंगे। तो जब आप हिस्ट्री पढ़े रहोगे तो आपको पॉलिटी आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। अब जब संविधान बन गया तो उसके बाद आप पढ़ लो आपके इकोनॉमिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप लोग जनरल साइंस में आ जाओ। जनरल साइंस पढ़ने के साथ साथ देखो, जब तक आप पॉलिटी पढ़ोगे उसके बाद ही इकोनॉमिक्स, क्योंकि पैसा संविधान के थ्रू ही पास होता है, एक कानून पारित होता है, कानून के थ्रू ही पैसा पास होगा तब वो मार्केट में पैसा आएगा, विधेयक पारित होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इसलिए वहां पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में जो चीजें बनी है वो आपके हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड है, वो उसमें कुछ चीजें जब आप पढ़ने लगोगे, अंदर तक जाओगे जब पढ़ोगे, तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों मिलाकर चलना पड़ेगा, तब आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। डायरेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको हिस्ट्री और पॉलिटी क्लियर नहीं होगा। अब उसके बाद जनरल साइंस एंड जो राइटर्स होंगे, लेखक हो, एक करंट, अब ये सेगमेंट आता है कि करंट अफेयर्स अब पढ़ना स्टार्ट करो। जियोग्राफी पूरी पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, आप पॉलिटी पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, तब आप आना जनरल साइंस और उसके बाद आपके करंट अफेयर्स में। मैं सबसे बड़ी गलती बताऊं स्टूडेंट की क्या होता है, पहले करंट अफेयर उठा लेते हैं और वही गलती करते हैं। अरे यार, जो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उसके पीछे क्या, वो कहां पर स्थित थे, जियोग्राफी क्या है उसके पीछे, उन दोनों में लड़ाई हो रही थी उनकी हिस्ट्री क्या है, क्यों लड़ाई हो रहा है, पॉलिटिक्स इसके पीछे क्या लगी है, कौन कौन से क्या घाटे चल रहे हैं, क्या फायदे होंगे, इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है, कौन से साइंस टेक्नोलॉजी, कौन सा जो मिसाइल जा रहा है वो किससे बना हुआ है, कितनी दूर तक जाएगा, क्या मारक क्षमता है उसकी, और क्या ड्रोन हमलों को कैसे क्या किया जाएगा, वो सब चीजें जनरल साइंस की पार्ट है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के पीछे पीछे आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, हर एक घटना जो भी इंडिया में या इंडिया के बाहर हो रही है उसके पीछे ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहले उसकी जियोग्राफी देखी जाती है, फिर उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, हिस्ट्री के बाद उसकी पॉलिटिक्स देखी जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक्स देखा जाता है, फिर उसके लास्ट में उसके साइंस का, जनरल साइंस का यूज करके फिर उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं।
तीन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। मोदी जी जहां जाते हैं बताया जाता है मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो वहां गए, तो तीसरे हैं तो दो प्रधानमंत्री और कौन से थे जो उस देश में गए, उस देश की राजधानी क्या, वो देश स्थित कहाँ है, और उस देश की राजधानी अगर चेंज भी हुए क्या, मुद्रा रही है, तो सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार जीएस तैयार होता है। तो जो लड़के स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेनली जैसे राजस्थान जेई हो गया, राजस्थान में जब आप पढ़ोगे तो राजस्थान में 40 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक है, जब अधीनस्थ उसके एग्जाम करवाती है, तो वहां तो लड़के हर चीज पढ़ते हैं, हर एक चीज वो भी डिटेल से पढ़ते हैं, 40 नंबर का वहां जीएस पूछा जाता है। बट जब यूपी मांगो तो ना खास नहीं, यूपी स्पेशल 10 नंबर के दे दिया, नहीं तो ऐसे उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार जीएस की तैयारी की जाती है। मैंने आपको सेगमेंट बता दिया कैसे पढ़ाई करनी है। तो अभी आपको पेन उठाना है, अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम है, जीएस में नंबर कम बन रहे हैं, 50 में से 10 नंबर या 8 नंबर 7 नंबर आ रहे हैं, आपको लगता है कि जीएस पोर्शन आपका कमजोर है, तो अभी दिसंबर है, मई में पेपर हो गए, एक महीने में आराम 15 दिन में जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी। अच्छे टीचर से पढ़ना ऑनलाइन, लूसेंट मत उठा लेना कि मैं लूसेंट तैयार कर लूंगा, लूसेंट तैयार हो जाएगा फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज रहोगे हमेशा जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा। आप उसको पढ़ने, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हिस्ट्री उठाना, हिस्ट्री उठाने के बाद पॉलिटिक्स पर पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमिक्स, ऐसे सेगमेंट में पढ़ोगे तो जीएस तैयार हो जाएगा। आप जब सब सब्जेक्ट पढ़ लोगे तब करंट अफेयर्स उठाना। हाँ जोड़ता हूँ, करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग चाहे जितना पढ़ लीजिए नहीं समझ में आएगा, 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर जो आता रहेगा वो भी कन्फ्यूज होकर गलत करके चले आओगे। कोई आयोग क्यों बना, कहाँ बना, कब बना, ये हिस्ट्री पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो और वीडियो देखते रहो यार, देखो मैं जो चीज़ें बताता हूँ, मेरी पास ना कोई कोचिंग है कि मेरा खुद कोचिंग चलता हूँ, मैं आपको बहका के फिकाऊंगा आओ मेरे पास कोचिंग पढ़ लो, नहीं ना, ठीक है। तो मेरा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है आप लोगों से कि आप लोग आओ तो मैं आपको बहका के अपनी कोर्सेज दिलवा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। मेरा काम होता है गाइड करने का, मैं गाइड करके चला जाता हूँ। मैंने लाइव आगे बताया था कि एसएससी जेईई मेंस का पेपर कैसे आएगा, कुछ टीचरों को मैंने बोला अरे गुप्ता जी जाने दीजिए ये ऐसा नहीं आएगा, अरे उनको कोर्स बेचना है यार, उनकी दुकान दूसरी से चल रही, हमारे पास तो यार भंडार पड़ा हुआ है, छोड़ो चक्कर। और कमेंट करो और भी क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती है। हाँ मैंने एक वादा किया था कि सिविल इंजीनियरिंग की थोड़ा आप लोगों को बता दूंगा, सिविल इंजीनियरिंग तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैं उसके लिए सॉरी, बट अगले वीडियो में मैं अभी मेरा यूट्यूब का इवेंट है तो मैं 11 तारीख के बाद आऊँगा, तो सबसे पहले वीडियो वही आपको आउट करके दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो, 87% लोग ऐसे हो जो नॉट सब्सक्राइब हो लेकिन वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दोगे तो 43,000 हो जाएंगे या 32,000 पहुँचे, तो कम से कम इस बार 35,000 तक पहुँचवा दो, दिसंबर महीने में 2024 में हम 35,000 के ऊपर देखें, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई लिखाई करते रहो।